Good morning, 7th class. Today is our maths class. We are discuss our chapter number 7 and exercise number 7.1. तो पिछले एक्सरसाइज में हमने एरर एंड ट्रायल मेथड सीखा था. आज हम उसके जो आगे के मेथड है वो सीखेंगे. तो नेक्स्ट मेथड क्या था हमारा? सिस्टमैटिकल मेथड. तो इस मेथड में क्या होता है, जैसे हमने उस मेथड में एक्स की वैल्यू खुद पुट करी थी 1, 2, 3, 4, देन जिस वैल्यू पे हमारा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारा सेम था वो हमारा सोल्यूशन था. लेकिन सिस्टमैटिकल मेथड में क्या होता है, हम एक्स को ही सॉल्व करते हैं. इक्वेशन को ही हम सॉल्व करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे हम अपने वैल्यूज को ले जाते हैं, देन उसको डिवाइड मल्टीप्लाई एंड सबट्रैक्ट की हेल्प से हम उसे सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं. तो आज हम वो सीखेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग सिस्टमैटिकल मेथड. तो हमें एक इक्वेशन गिवन है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है हमारी. तो इसको हमें क्या करना है, सिस्टमैटिकल मेथड से सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है. तो हम वो कैसे निकालते हैं, हमें क्या गिवन है, 12x + 12 = 24 हमें गिवन है. 12x हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है. हम सबको पता है कि ये हमारे इक्वल टू के राइट साइड में होता है हमारा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट साइड में होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड. तो अभी हमारा इक्वल टू के साइड में हमारा 24 है राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड में 12x + 12 है. हम इसे x के लिए सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस है ये हमारा, हम इसको 24 के पास ले जाएंगे. तो प्लस का हमारा जो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या होगा, प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है. तो प्लस का यहाँ पर 24 माइनस में 12 कितना आ गया हमारा 24 में से 12 क्या हमारा 12 बच गया और यहाँ पे हमारा बचा हुआ 12x. आप क्या करेंगे, हम x को हम यहीं पर रखेंगे और ये जो 12 है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. तो ये क्या है, 12 में x है, इसका मतलब 12x का मतलब. तो ये 12 जो हमारा राइट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई का क्या होता है, हमारा डिवाइड होता है. तो ये 12 क्या होगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा. तो 12 आंसर 12. तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 1. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1. नेक्स्ट ऐसे ही हमारा एक और इक्वेशन है, 2x = 5/2. हमें 2x गिवन है और 5/2 गिवन है, हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 को क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा, हमारा डिवाइड होगा. तो हमारा क्या करेंगे, 5/2 ये डिवाइड हुआ, यहाँ पे 2 आ गया, इसके नीचे हमारा 1 लगा हुआ है. तो ये क्या होगा, वैसे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ये क्या होगा, हम ऊपर ले जाएंगे इसे. तो ये 1 हमारा ऊपर आ जाएगा, 2 हमारा नीचे आ जाएगा. तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो एक हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो उसके बाद 5/2 × 1/2 आ गया हमारा, 5 × 5 होता है, 2 × 2 क्या होता है, हमारा 4 होता है. तो इसको हमने सॉल्व करा तो हमारा आंसर क्या है, 5/4. तो x = हमारा आंसर क्या है, 5/4. तो इस हिसाब से हम सिस्टमैटिकल सॉल्व करते हैं. ये भी हमारा इजी मेथड होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता. सिर्फ हमें ये बेसिक रूल्स याद करने होते हैं कि हमारा अगर प्लस है तो राइट हैंड साइड पे जाके माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा. ये हमारा LHS की बात हो रही है और यहाँ पे हमारी RHS की बात हो रही है. अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, अगर इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा और अगर डिवाइड है तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिर्फ ये बेसिक रूल इसमें फॉलो होता है. नेक्स्ट है
सही है कि अगर हम x की जगह 7 रखेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 34 ही आएगा। तो हमारे हमने क्या लिखा, x इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन, कि x इक्वल टू 7 है वो हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर कभी ऐसा होता है कि आपने यहां पे वैल्यू पुट करी x की और यहां पे कुछ और आंसर आ गया हमारा राइट हैंड साइड का नहीं आ रहा, तो इसमें क्या होता है हमारी आंसर हमारा गलत निकला होता है। अगर हमारा एकदम सही आंसर निकला होता है तो हमारे क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होती है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आपको होमवर्क है ये कि इस चैप्टर को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, इस जो हमारा सिस्टमैटिकल मेथड है इससे रिलेटेड हमें और अच्छे से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ आए।